हाँ विराह जगत के प्रेमियों, ये रिकॉर्डिंग कैसेट अरविंद दीवर द्वारा जो आप सुनेंगे वो रामायण का निचोड़ है। रिकॉर्डिंग आप बहुत सुने हैं, रामायण बहुत सुने हैं, विराह बहुत सुने हैं। एक मेहरारू का मुकाबला बा, अवहर से मेहरारू बनवास गई और मनसेधु लड़के लंका से वापस आया लेकिन अयोध्या नहीं पहुंचा। कहना हो चल भूमिका में देखेंगे आप सर समर कर के रघुबर विजय प्राप्त की, कोकिला कूक कर गीत गाया सही, राम की जान की जान की जान से सत्यव्रत को नल में निभाया सही, अग्नि में बास कर खास सीता सती, लाज साजन की अपने बचाया सही, लौटे भगवन भवन मन मगन जल के जन छू के लहरी चरण गीत गाया सही। एड़ो गजल का टुकड़ा बा मास्टर साहब, एक जे हीरो अपनी हीरोइन के इशारा करता कव्वाली के लाइन में, हाय 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 दिलरुबा, अरे दिलरुबा ये दिल्ली की प्यार का तकाजा है। ये तो लाइन पुरान होगी गावत गावत, लेकिन और भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम आप गौर करेंगे कि जैसे 24 अवतार में अवतारी पुरुष गिने गए, अयोध्या के जैसे राम का नाम पड़ा वैसा किसी देवता का नाम नहीं पड़ा। पुरुषोत्तम मर्यादा का मतलब याद समझें, संस्कृत में अगर संधि विच्छेद कर दे तो पुरुष धन उत्तम होगा। पुरुष धन उत्तम का मतलब पुरुषोत्तम आओ मिलके वो बन जाएंगे। वही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अपनी मर्यादा को रखते हुए रावण को मार के विभीषण को रास तिलक किया और अपनी सेना को लेकर अयोध्या वापस की। तो लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, लंका से प्रभु लौटे, एक पुष्पक सजाए लंका से प्रभु लौटे, लेके सेना है राम, लेके सेना है राम किस किंधा पे आए हैं, मित्र सुग्रीव को हंस के गले लगाए हैं। भगवान राम एक बात और समझ ला, भगवान राम सुग्रीव की विदाई करने के लिए किष्किंधा पर्वत पर आ गए और सुग्रीव को विदा करके भगवान गले से लगा के और सुग्रीव से कहने लगे, मेरे साथ तू साथी ये क्या उपकार किया, मेरे कारण ये घर द्वार को विसार दिया, मेरे कारण ये घर द्वार को विसार दिया, मेरे कारण मेरे ही कारण सब घर द्वार को विसार दिया। तभी हनुमान के बाबा हनुमान जी देखे कि भगवान राम हमके बहुत मानत रहे लेकिन आज सुग्रीव कितना बड़ा ऊंचा पीढ़ा देते हैं, अरे हाथ भर से ज्यादा मास्टर। देखा बगल में लेडीज पार्टी बनाई मतलब गड़बड़ हो जाए, ये की बहुत मानत रहे और विदाई करते करते जब रो दिए भगवान तो हनुमान भी रोने लगे। तभी हनुमान के नैनों से बहाय नीर लगे, लगा के छाती से तब पूछने रघुवीर लगे, लगा के छाती से तब पूछने रघुवीर लगे, कहीं ये प्रेम भरी बतिया कैसे बिसराए हैं। भगवान राम पूछे लगे हनुमान जी से कि हनुमान काहे बदरोया,
हनुमान के है मालिक, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता दोस्त। हनुमान को मतारी की याद आ गई, भगवान राम से बता दिया। भगवान राम पूछा कि तुम्हारी मतारी इंद्रनी कहाँ पर होगी? हनुमान बताया कि इस वक्त गंधमादन पर्वत पर विराजमान होगी मालिक। भगवान सुग्रीव को विदा किया और सुग्रीव से आप टीवी सीरियल पर देखे होंगे कि सुग्रीव को विदा करते करते राम वचन दिया था द्वापर में मिलने के लिए, और कृष्णावतार में अपनी लड़की को भी यानी अर्पित कर दिया था मणि के साथ साथ, वरदान वही था। भगवान पुरुषोत्तम ब्रदर राम जब किष्किंधा पर्वत से गंधमादन पर्वत पर चलते हैं तो विराह जगत में तेरी का भाव लगता है तेरी। अरे राम भी मनवाय आकाश में उड़ा, माई अंजनी का करे बरे दर्शन, मनवाय आकाश में उड़ा, गंधमादन पर्वत पर आए, बगली बैठे पवन कुमार। गंधमादन पर्वत पर आ गए। हनुमान जी कहा मालिक बस यहीं पर मेरी मां अंजनी होंगी। बगल में सहसा होता लक्ष्मण जी गौर कर रहे हैं हनुमान और राम की बात पर। मन में सोच समझ कर बोले राम के भाई से सायमता, बड़ा प्यार माता का पाया, साथी तुम रो पवन कुमार। गंधमादन पर्वत के ऊपर प्रभु विमान को दिया उतार, दिया बड़वा गंगा घाट के मुरैला। मर्यादा राम विमान को उतार दिया, वाह, अंजनी से दर्शन करने के लिए हनुमान को भेज दिया। हनुमान जी पहुंचते हैं, माई अंजनी की गोद में लिपट गए। अंजनी पूछा कि कौन हो? हनुमान जी कहा मैं आपका पुत्र हूँ पवन कुमार। अंजनी में तारी टोवे लगी कि बेटवा कहाँ रहा इतना दिन? बोला बड़ी मजे का बात आपको सुनने के मिले, राम लक्ष्मण जी सुन रहे हैं बगल खड़ा होके। अंजनी को मालूम नहीं भी कि राम लक्ष्मण भी आए हैं साथ में। और हनुमान जी बताओ लगे कि मैया हम कहाँ रहे, हम तो से बतावत ही ब्रह्मा जगत के झूमर तज मिले आपको लाइन सुन के। कहे सौजो जन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सौजो जन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार। अंजनी कहाँ बिड़वा का करे बदे? कहे मैया अयोध्या के राम और लक्ष्मण जी उनके दुल्हन जानकी जी तीनों जन का वनवास है, हम उन्हीं के साथ में भ्रमण करते रहे मैया और उनके दुल्हन को रावण चुराए ले गए लंका में। देखा बहन जी से बताई कि सीता जी वनवास गई रही, तो वहां से लौट के आ रही तब वनवास गई रही, लेकिन नन्हरे का पकड़ाए कहीं पक्की कोई लिया, सीता जी का रावणवा थोड़ा भरी ले गए। अरे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम तो नहीं गए, लक्ष्मण से कहा लगे जब खरदूषण का मारे लगे तब कितना अलग करो। ये सीता जी का संकेत किया कि सीता जी देखो लक्ष्मण जान ना पाए, लक्ष्मण से बता दिया खरदूषण को मारना है तुम लेके छिप जाओ, और सीता से कहा कि जब लग करो निशाचर बासा तब लग करहु यज्ञ में। सीता जी अग्नि में बास करत रही। चार लाइन की भूमिका में आप सुने हैं राम की जानकी, जानकी जान से सत्य व्रत को अनल में निभाया सही, लौटे भगवान भवन मन मगन जन के जन छू के लहरी चरण गीत गाया सही। ये बात और सीता जी के संकेत इधर, और लक्ष्मण जी खड़े हैं और भगवान से देख ना जात लक्ष्मण का मस्करी। लक्ष्मण सोचते है कि हनुमान अपने ही बड़ाई करी है यार, और सही हनुमान बतावते हैं अंजनी से कि माई सौ जोदन समुद्र हम पार गए, जब सीता के हर ले गए रावण तो हम ही खोजेंगे और केहू के हिम्मत ना रही। बतावत झूमर में कि सौ जोदन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सिया सुधलाई के आवा भगवान के समानावाना।
जब सीता जी की खबर आई कि राम को बताई है, तो रामचंद्र जी वही अपनी सेना ले जाए बदे कहा कि तो भगवान है, लेकिन पुल बांधे रहे पत्थरे के, हम मैया वैसे डांग रहे। सौ योजन समुद्र के पार गए हम लंका के दरबार, सियासुद लेके आवा भगवान के समानावाना। तब प्रभु सेतु बांध बधवाई सागर पार गए रघुराई, होई गई कठिन लड़ाई सुन लिया मणि माया नावाना। लखा मेघनाथ बलवान लखन का मारे शक्ति बाना, विकल भगवान हो गए लंका दारी में नावाना। हे माई लालमी है तो हाल लिया इस धौला गिरी उखार, खुशी सरकार भयन जब जी गए दिन वीरा नावाना। कहा के तो बहुत दिन साथी रहे भगवान राम के, सुग्रीव के अपन अध्यक्ष बना रहे, लक्ष्मण अपने भाई के शेषाएं उतार बताओ तो रहेंगे शेष ना के उतार मैया। लेकिन जब इतनी लड़ाई होने के बावजूद लक्ष्मण जी का शक्ति बाण मार दिया राम के बेटवा, और रावण के बेटवा मेघनाथ मार दिया, राम विकल हो गए। उस वक्त मैं धौलागिरी को खार के उनको जिलाया मैया, और ना ही लक्ष्मण महाराज मुहबा लंका में पड़ा रहते। आई बतिया लक्ष्मण सुनते हैं राम से कहें कि बहुत बढ़ाई दिया कर बंदरे का तू, कहें शांत रहा पहले के बाद सुना समझाओ की कहे मैया इतने तक नहीं, एक समय में राम लक्ष्मण दोनों ने गायब पे जैसे राक्षस, एक समय यही राम आई राम लखन का लेह चुराई, जाके पतालपुर मा कई जावा पाथा नावाना। यही बिन निश्चर सुखदानी रावण कुंभ तोड़े अभिमानी, सीता रानी का लेके लौटे भावा नावाना। मैया इतना रामायण हो गया लंका में, और अब अयोध्या नहीं पहुंचे। महतारी अंजनी सुन के बात हंस दिया, यहाँ पर एक निचोड़ बात बा। अंजनी मैया कह लगी कि हनुमान तू बहुत गलत है, अगर तू चाहता तो रावण को मार के और सीता को लेके साथ में चला आता, क्यों इतना बड़ा सेना मारी जाती। ये होता बिडवा नीर होता जग में सबसे वीर तो हार गया। इलाहाबाद जिले में बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकार जैसे स्वर्गीय भुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय भोला उस्ताद, और अभी मौजूद गायक में बाबा दीन उस्ताद, ये सब गाते थे बिरहा में कड़ी में कि पिए होता बेटवा नीर, अरे होता जग में सबसे वीर तू तो हार गया, होका बांध न लसरिया में हार गया, होका बांध न लसरिया में हार गया, होका बांध न लसरिया में हार होका बांध लसरिया में हार गया। ए हनुमान हम तोके सब जाने थी कितना मर्द बाटा तू। ई बात सुन के हनुमान जी लज्जित हो गए, कहे मैया हमके बांध नहीं देन, वो ब्रह्म फांसता ब्रह्मा का मुझे आदर करना पड़ा माँ, जो मेघनाथ मुझे बांध के ले गया था, मुझे बांधने वाला कौन था, मैंने ब्रह्मा का अपमान नहीं किया माँ, इसलिए बल्कि रावण के सामने चला गया। ई बात सुन के लक्ष्मण महाराज जी हंस दिए, लक्ष्मण महाराज जी हंस दिए और कहने लगे, राम से कहने लगे कि भैया ये हनुमान जी अपनी कितनी बड़ाई कर ले गए, इनके मतारी कहा था कि दूध पिए होता तो दुनिया में सबसे वीर होता, ये बोला जिनके दूध में कितनी बड़ी ताकत बा। यहीं पर अंजनी के कान में ही शब्द पड़ गए और कहा बिड़वाई के बोलते कहे राम लक्ष्मण कहन की कौन दूध की बात करते, कहे लक्ष्मण महाराज। अंजनी माई गुस्साई गई, अपने दूध की ताकत दिखाई भगवान राम के सामने, चोली का बंदा फाड़ दिया। अंजनी चोली का बंदा फाड़ दिया और कहा लखन देख मेरे दूध की ताकत। राम कहे अब मामला गड़बड़ हुई है, अंजनी क्रोध में आ गई है, चोली का बंदा फाड़ दिया, असतन तब पकड़ दबाया है, चली दूध की धार यार, मानो कोई वज्र चलाया है। अंजनी मैया चोली का बंदा फाड़ दिया और
दूध की धार निकल पड़ी बाबूजी। देखा दूध की धार निकली तो गंधमादन पर्वत के सामने दो शिखर हैं, शिखर यानी दो चोटियां पर्वत की, और दोनों चोटियों पर एक एक धार का सामना लगा दिया। जबकि अंजनी की आंख नहीं है, लेकिन दोनों चोटियों पर उसकी धार पड़ती है और राम देखते हैं। चली दूध की धार यार, मानो कोई बज चलाया है। अरे पर्वत के दो शिखर सामने जब धार जाए चकराया है, तब चूर चूर हो गया शिखर रघुवर तब बहन सुनाया है। चूर चूर हो गया शिखर चूर चूर हो गया शिखर रघुवर तब बैन सुनाया है। भगवान राम जब देखा कि अंजनी के दूध से पर्वत के शिखर एकदम राख हो गए, हाय हाय हाय, रामचंद्र जी आकर के अंजनी माई के पांव पर पड़ गए, मैया क्षमा करना, ये लक्ष्मण बहन लड़का है, नादान है, माँ तुम महान हो, इनको क्षमा कर दो। अंजनी माई पूछे लगे तू कौन? भगवान कहा मैं बहुत छोटा जिसका नाम राम। माँ अंजनी आपका नाम 3.5 अक्षर का बा, हमारा 2 अक्षर का बा, आप में वैसे महानता बा। अंतिम लाइन में आपको सुने के मिले, अरे हाथ जोड़ के कहे लगे भगवान बड़की माई हो। दिखाई आप लोग न समझ लिया कि लाल जी कहते हैं कलावती देवी के बड़की माई, यो बिरहा में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चले थे। हाथ जोड़ के कहे लगे भगवान बड़की माई हो, और लक्ष्मण वही बाटल बहुन दान बड़की माई हो। हाथ जोड़ के कहे लगे भगवान बड़की माई हो, लक्ष्मण वही बाटन बहु नदान बड़की माई हो। माँ आप महान है, तेरे दूध की धारा से पर्वत गैले अच्छी तरह आई हो, महिमा कौन कह सकता है, सुरन रमुनि करई बड़ाई हो। अरे जकरी कोख में पैदा भय हनुमान बड़की माई हो, लक्ष्मण वही बाटन बहु नदान बड़की माई हो। जकरी कोख में पैदा भय हनुमान बड़की माई हो, और लक्ष्मण वही बाटन बहु नदान बड़की माई हो। अंजनी मैया को शांति आ गई बाबूजी। अंजनी मैया राम की बात सुना तब कहा पुरुषोत्तम मर्यादा राम, तुम्हारी बात से मेरा कलेजा गदगद हो गया। यह लखन तुम्हारा बहुत बेईमान है, बेवकूफ है, लेकिन बच्चा समझ के माफ कर दिया इसे। तब भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अंजनी से विदा लेकर के अपनी अयोध्या नगरी को पधारते हैं। बाबा मां अंजनी से विदा होकर के भगवान राम अपनी सेना लेके अयोध्या की तरफ चल दिया। कभी को लिखना पड़ा अंतिम भाव में, अरे अवध की नगरी, अरे अवध की नगरी हो, अवध की नगरी राम, अवध की नगरी तो चली भाई सीता के सजनवा, अवध की नगरी देवतारा हनिहार को बाटन आवत हुई है राम, राम बिना
अरे यवधपुरी में ना ही मिले आराम बाबा। उन्नीस दिन सोच में मयनवा अवध की नगरी ओहर माई कौशल्या तड़पत ही 14 साल हो गए भगवान राम आवत ही देवता राह निहारत है। यहाँ पर एक बात और आपको मिले कि भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे थे तो यहाँ पर सवाल उठा कि कौन कौन रोया कौन हंसा। कहीं कहीं गायक लोग गाते हैं कि पूरी अयोध्या में उदासी छा गई थी, पूरा अयोध्या नगरी रोत रही, लेकिन अयोध्या नगरी नहीं रोत रही, अयोध्या नगरी पावन भूमि हंस रही थी, इसलिए कि भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम वनवास जा रहे हैं, अब राक्षसों का संहार होगा और धर्म का उद्धार होगा। बाबू जी तो यहाँ पर देखा कौशल्या मैया बेहोश है, कैकेयी माई के धड़कन बढ़ गए, 440 वोल्ट का करंट पैदा होत बा। बाप रे बाप, वो तो 14 साल के बाद राम फिर आएंगे, हम मामला आगे बढ़ जाए कि हम ही एक लंकी भय। हाय हाय अवधपुरा में पहुंच गए जब रामचंद्र अवतारी, खबर पा गई बिड़वा के जब कौशल्या महतारी, तड़पेला दुइनहु नयनवा अवध की नगरी। देवता खुशी मनावत भैले, देवता खुशी मनावत भैले, देखे पवन कुमार नगर निवासी जुट गए, तब होता जे जे कार बरसे न भसे, तब सुमनवा अवध की नगरी। अयोध्यापुरी में जय जयकार हो रहा है, भगवान राम गुरु महाराज से मिलकर के बड़ा आनंदित हुए, जबकि गुरु की बात भी नहीं माना था वनवास जाते समय, इसलिए कि माँ बाप को सबसे ऊंचा स्थान दिया था, इसलिए माँ बाप की बात मान करके वो अयोध्या से और लंका गए थे। अंतिम लाइन में कहना होगा कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन कहे धन्य धर्म की माया, कथन किया है सरजू राम गुरु ने पूराम सजाया, अरे विमन वाय काश में उड़ा लहरी लाल की चूमे अंबे का चरणवा, विमन वाय काश में उड़ा कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला के मणिया न खटका ना, कभी मुहल्ले में हल्ला की मणिया न खटका, दुलहिनी का पति परदेश में रहे, वाह वाह फागुन लागे वाला रहे, दुलहिनिया के देवर पहुंचा खीस निपोरे, कहे ही भौजी भौजीवा कहे काब कहन भैया के चिट्ठी उठी नहीं आए, वाह हंसते हंसते खटीवा पे बैठ गए, भौजीवा बकरिया बैठ के बतावे ला कि देवर भेजा तो लेकिन चिट्ठिया नहीं आए, देवरवा कलैया पकड़ ले तब भौजीवा कहा तो कभी होए ना, देखा ऐसा बात हो के देखे ना पड़ोसी, संहारा हो राम बाबू मास्टर साहेब नहीं अपने कलावती देवी को समझ जाए, कभी होए ना मुहल्ले में हल्ला देवरिया न खटकाना, कभी होए कहे तब होगी, कहा देखा कभी हो न मोहल्ले में हल्ला के बढ़िया मत खटकाना, दरवाजे पे कहीं जब आवाज सामने देखा साइन बोर्ड तो पिछवाड़े से काम बने, दरवाजे पे ताला है लल्ला पिछवाड़े तड़े आ जा, रिकॉर्डिंग में कुछ अलग हिसाब से कलाकार गाए हैं, ग्राहक जगत में हम लोगों ने कुछ अलग लाइन से लिए हैं, काश की दुल्हन अलग बात बता भगदा,
सोतन के घर का गा बोले लाल जले जब भक्ति, सोतन के घर का गा बोले लाल जले जब भक्ति, सोतन के लाल बत्ती बोले लाल जले भक्ति। लाल बत्ती बड़ा खतरनाक हो तो लाल बत्ती पर रुक जाए खोज, लेकिन एक लाल बत्ती चालू बा। सोतन के घर का गा बोले लाल जले जब भक्ति, सोतन के घर का गा बोले लाल जले जब भक्ति, सोतन के घर का गा बोले लाल जले जब भक्ति। पिया गए परदेश कमाने 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 कमाने, वो परदेश कमाते वह खतरा होत बा। पिया गए परदेश कमाने और मिटा दी मेरी हस्ती रोए सारी रात, रोए रात रात, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तवा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तवा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तवा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तवा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला घुमा तवा उठा जा, रोए सारी रात तुम्हारी का पल्ला उठा